स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आर फर्स्ट लेसन फंक्शंस एंड पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. लेसन वन इन योर वर्कबुक ऑन पेज नंबर 3. सो लेट्स स्टार्ट. फंक्शंस एंड पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज मेड अप ऑफ डिवाइसेस, मीन्स पार्ट्स यूज फॉर इनपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एंड आउटपुट. Here's your definition of your computer. It's simple. A computer is an electronic machine. आपका computer एक electronic machine है. Why electronic machine? आपका computer electronic machine क्यों है? Because computer electricity consume करता है and it makes your work easy. जो भी चीज़, कोई भी part, कोई भी चीज़ अगर आपका काम आसान करता है, that means it's your machine. Like fan हो गया, आप बटन प्रेस करते हैं फ़ैन स्टार्ट हो जाता है. लाइक वॉशिंग मशीन हो गई, आप ऑन द स्पॉट आपके कपड़े बहुत इजीली और जल्दी का धुल जाते हैं, आपका टाइम बचता है. ठीक है, तो वैसे ही आपका कंप्यूटर भी आपका काम इजी करता है. दैट्स व्हाई द कंप्यूटर इज़ अ मशीन. व्हाई इलेक्ट्रॉनिक मशीन? बिकॉज सम मशीन्स यूज़ बैटरी, सम मशीन्स यूज़ अलग डिफरेंट पावर्स, बट कंप्यूटर यूज़ इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स वाई कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ मेड अप ऑफ डिवाइसेस. डिवाइसेस इन कंप्यूटर लैंग्वेज, पार्ट्स को हम डिवाइसेस कहते हैं. कंप्यूटर्स इज नो पार्ट्स इज नोन एज डिवाइसेस. डिवाइसेस आपके इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एंड आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करके आपका एक कंप्यूटर डिज़ाइन होता है. हियर्स द इमेज ऑफ कंप्यूटर, यू कैन सी दिस. इसमें स्पीकर है, मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड एंड माउस है. कम टू द नेक्स्ट वन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर की फंक्शंस क्या है? लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन. The main functions of a computer are input, processing and storage and output. Now let us understand what this term means. आपके computer का main function है, 4 main functions है, input, processing and storage and the last one is output. तो एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है. टू अंडरस्टैंड द टर्म इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, लेट अस टेक अ एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लावर मिल. फ्लावर मिल का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर. सो हम भी सेम एग्जाम्पल के साथ विल फॉलो द सेम एग्जाम्पल. इन अ फ्लावर मिल, फूड ग्रेन्स आर पुट इन टू द बिग फनल एट द टॉप एंड दे आर स्लोली क्रश्ड इन द ग्राइंडर. The flour comes out of the opening at the bottom. इसमें बताया गया है कि food grain, flour grain जो है use किया गया है, food grains use किया गया है आपकी उस मशीन में. एक funnel है टॉप पर, उसमें वो क्या करते हैं, grains put करते हैं. After putting the grains, नीचे एक छोटा सा grinder है जो आपके grains को crush करता है, mix करता है, मिक्सी की तरह. And then bottom में आप देखेंगे नीचे एक बकेट रखी हुई है जिसके अंदर फ्लावर जो है बाहर आ रहा है. दैट मीन्स इनपुट क्या हुआ, आपका ग्रेन हुआ. आफ्टर दैट मिक्सी इट्स योर प्रोसेसिंग, ग्राइंडर इज योर प्रोसेसर एंड फ्लावर जो है आपका बाहर आया आउटपुट. इट्स एन आउटपुट. ठीक है, तो ये चेन कुछ इस तरह से बनती है. दैट फूड ग्रेन इज योर इनपुट एंड ग्राइंडर इज योर प्रोसेसर एंड देन द लास्ट वन इन द बॉटम flour is your output. So students, मैं explain करती हूँ आपको और अच्छे से elaborate करा हुआ है यहाँ पर input, processing और output क्या होता है. Let's have a look at in this entire procedure. Food grains put into the funnel are input. Like I've said before, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी कि input क्या है, आपका food grain है जो funnel के अंदर put किया गया. The action of grinding the food grains into the flour is processing. Grinder क्या हो गया, आपका processor हो गया, because वो food grain को क्या कर रहा है, grind कर रहा है, crush कर रहा है. The flour coming out of the opening is output. After this whole process, जो flour आपको मिला, it's your output. नीचे देखो एक छोटा सा image दिया हुआ है, आपके book के page number 4 पर ही है ये. 3 boxes बने हुए हैं जिसमें chain दिखा रहा है. That food grains is your input,
grinding is the processing, and output is your flour. In computer terminology, input, processing, and output can be defined as follows. Let's take some definitions of input, program, processing, and output. First one is input. Data entered into the computer is called input. It could be number, letter, pictures, or even sounds. Data entered into the computer means कोई भी data, जैसे आपका sound हो गया, pictures हो गए, letters हो गए, और it could be numbers too. अगर ये सारी चीज़ें आपके computer के अंदर आपने feed किया है through keyboard या फिर mouse का use करके, that is your data. आपका data जो computer के अंदर feed हुआ, it means it's your input device. Second one is program. A set of logical. Logical means step by step instruction follow karna. A set of logical step by step instructions given to the computer to perform a task or work on the data is called program. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोग्राम होता क्या है. कोई भी वर्क स्टेप बाय स्टेप होता है, लॉजिकल वे में होता है, इंस्ट्रक्शंस के साथ इनटू द कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए इट्स योर प्रोग्राम. जैसे कोई भी एक टास्क दिया गया है आपको और आप स्टेप बाय स्टेप पहला स्टेप कंप्लीट करके सेकेंड स्टेप फिर थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप का यूज़ करके आपके वर्क को प्रोसेस कर रहे हैं, आपके टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इट्स अ प्रोग्राम. तो इन कंप्यूटर लैंग्वेज हम इसे प्रोग्राम कहते हैं. थर्ड वन इज प्रोसेसिंग. व्हेन अ कंप्यूटर वर्क ऑन अ डेटा दैट मींस इनपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम इट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. आपके कंप्यूटर में जब आप जो डेटा फीड करते हैं वो डेटा के ऊपर मींस आपके इनपुट डेटा के ऊपर इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके जो प्रोसेस होता है, जो उस पर काम होता है, इट्स कॉल्ड प्रोसेसिंग. ओके, नाउ कम टू द फोर्थ एंड द लास्ट वन, आउटपुट. इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय प्रोसेसिंग डेटा इज कॉल्ड आउटपुट. इट इज़ डिस्प्लेड बाय द मॉनिटर और प्रिंटर बाय अ प्रिंटर. तो यहाँ पर बताया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट यानी प्रोसेस के बाद, आपके डेटा के ऊपर प्रोसेस होने के बाद जो इंफॉर्मेशन, जो आउटपुट आपको शो होता है, जो इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्लेड होता है आपके मॉनिटर या प्रिंटर का यूज़ करके, दैट मींस इट्स योर आउटपुट. ठीक है, नाउ दिस मींस दैट अ कंप्यूटर प्रोसेसेस इनपुट डेटा विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम टू जनरेट इंफॉर्मेशन आउटपुट. सी सेम, ये पूरा होल प्रोसेस लास्ट में एक डेफिनेशन पे बताया गया है. इसका मतलब आपका कंप्यूटर आपके इनपुट डेटा पे प्रोसेस करता है यानी कि वर्क करता है. आफ्टर वर्किंग ऑन इनपुट डेटा प्रोग्राम की हेल्प से आपका कंप्यूटर आपको इंफॉर्मेशन जो जनरेट करता है आपके मॉनिटर या आपके प्रिंटर का यूज़ करके, दैट इज़ योर आउटपुट. ये पूरा प्रोसेस आपके कंप्यूटर में होता है. जैसे सपोज मैंने लेटर ए टाइप करी, मतलब मैंने लेटर ए, ये मेरा इनपुट डेटा है जो मैंने कंप्यूटर में फीड करी. आफ्टर फीडिंग दिस वो डायरेक्टली आपके मॉनिटर पे आपको शो होता है. लेकिन ये जो सेकंड का डिफरेंस है, जैसे आपने ए प्रेस की और आपको शो हो जाता है, इसके बीच में जो है प्रोसेसिंग का वर्क होता है. व्हेन यू टाइप लेटर और जो आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, ये दोनों टाइम के बीच में जो मिली सेकेंड्स होते हैं, 0.001 सेकेंड जितने भी सेकेंड्स होते हैं, वी कांट काउंट दिस, वो बीच में जो ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन में जो क्या होता है, प्रोसेस वर्क शुरू हो जाता है प्रोग्राम की हेल्प से. और फिर उसके बाद आपको मॉनिटर पे आपका लेटर ए शो होता है. सो स्टूडेंट्स, नीचे अगेन एक चेन दिखाई गई है. इनपुट डेटा प्लस प्रोग्राम, आपने डेटा एंड किए इंस्ट्रक्शन के थ्रू कीबोर्ड का यूज़ करके. सबसे पहला स्टेप सपोज मैंने की कीबोर्ड का यूज़ करके मैंने लेटर ए या फिर मेरा नाम टाइप करी. टाइप करने के बाद प्रोसेसिंग वर्क शुरू हो गया. आपके सीपीयू जो है वो प्रोसेसर है, वो प्रोसेसिंग वर्क शुरू कर देता है अपना यूजिंग प्रोग्राम्स यानी कि स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके. CPU को इंस्ट्रक्शन मिला है कि जो यूज़र है उसने कीबोर्ड का यूज़ करके अपना नाम टाइप किया है, तो CPU को उस पर प्रोसेस करके
वो नाम मॉनिटर पे शो करना है, तो वो क्या करता है, प्रोग्राम का यूज़ करके आउटपुट शो करता है ऑन द मॉनिटर, मेरा नाम लिखकर आ जाता है ऑन द मॉनिटर। तो ये प्रोसेस है जो कंप्यूटर में होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने देखे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, देन फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर्स भी देख ली है। इन अ नेक्स्ट वीडियो वी गोना हैव पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, वी आर गोइंग टू हैव आर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस मीन्स इनपुट पार्ट्स एंड आउटपुट डिवाइसेस मीन्स आउटपुट पार्ट्स। टिल देन स्टूडेंट्स, घर पे स्टडी कीजिए और कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।